जेल से जमानत पर रहाई, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद उमड़ आई। शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अपनी रहायशगाह मॉडल टाउन पहुंच गए। शहबाज शरीफ का आज अपनी वालिदा और नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। नए अस्पताल में नई बीमारी, दिल और गुर्दों के बाद नवाज शरीफ की कमर में दर्द। वीआईपी कमरे की तैयारियां मुकम्मल ना हो सकी। हंगामी बुनियादों पर स्लिलिंग और तसीन आराइश का काम जारी। नवाज शरीफ का रात जिना अस्पताल की गायनी वार्ड में ही कयाम। तिबी मुआयने के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, नवाज शरीफ को बहुत निगहदाश्त की जरूरत है। नून लीग का ही नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। वजीर आजम की बहन के भी 40 अरब निकल आए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुशाहिदुल्ला परवेज मलिक बोले, नवाज शरीफ को एक दूसरे अस्पताल ले जाना ज्यादती है। PIC बनने में नवाज शरीफ का अहम किरदार है। नून लीग के कायद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलाज के लिए एक जामे और मुकम्मल बोर्ड तश्कील दिया गया है। आरिफ तजम्मुल को इंतजामी सरबरा होने की वजह से बोर्ड का सरबरा बनाया। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ पर सियासत नहीं करना चाहती, सूबाई वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान। शरीफ बरादरान की डील हुई है या नहीं, कुछ तो है, बातें हो रही हैं। वजीर आजम के दावे झूठ साबित हो रहे हैं। पहले गाड़ियां फरोख्त की, अब किराया पर लेकर जी रहे हैं। जितने भी गाड़ियां फरोख्त की गईं, इतना किराया बन जाता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमरुज़्ज़मान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। ऑफशोर कंपनी के सलीम खान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसी। नैप के हवाले, मुलजिम ने 9 रोज के रिमांड में कोई तआवुन नहीं किया। नैप प्रोसिक्यूटर, इस्तीफा दें, वजीर नहीं रहे, फिर भी कह रहे हैं कि तआवुन नहीं किया। अदालत के रिमार्क्स, जायदाद की खरीदो फरोख्त में 1.5 अरब का फर्क आ रहा है। नैप प्रोसिक्यूटर के दलाइल, अलीम खान वालिद से मिलने वाली रकम के जराए बताने में नाकाम रहे। तफ्तीशी की रिपोर्ट, 2018 तक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं था, 11 साल ये क्या करते रहे, क्या पहले उन्होंने भंग पी रखी थी। अब्दुल अलीम खान। अलीम खान की पेशी, तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रश, दक्कमपेल पुलिस के साथ झड़प, हाथापाई। एहतसाब अदालत के जज को भी पैदल आना पड़ा। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब करना पड़ी। कारकुनों ने अलीम खान की गाड़ी को घेरे रखा। अलीम खान के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। नैब ने जो बातें पहले दिन की, 9 रोज बाद भी वही कर रहा है। PTI रहनुमा शुएब सदीकी की गुफ्तगू। चौधरी बरादरान का बैरून मुल्क जायदाद के इल्जाम पर नैब को चैलेंज। चौधरी बरादरान कहते हैं, नैब पेरिस में जायदाद साबित कर दे, सारी जायदाद इनके हवाले कर देंगे। पेरिस जाने वाली नैब टीम के तमाम अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे। जायदाद रिकॉर्ड के मुताबिक साबित हो गई तो प्ले बार्गिंग करके हवाले कर देंगे। नैब हुकाम की पेरिस में जायदाद के हवाले से खबरों की तरदीद। पेरिस में चौधरी बरादरान की कहीं जायदाद का जिक्र नहीं किया। नैब तर्जुमान। सानेहा साहिवाल में बड़ी पेशरफ्त, गोलियां सिटी एहलकारों ने चलाई, सबूत मिल गए। डिजिटल वॉइस रिकॉर्ड की डिस्क तब्दील किए जाने का इंकशाफ। फॉरेंसिक माहिरीन ने डिस्क तब्दील करने वाले का नाम बता दिया। असली डिस्क आती तो मालूम हो जाता गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया। जो SMG राइफलें भेजी गई वो भी तब्दील थी। फॉरेंसिक एजेंसी ने हतमी रिपोर्ट मुतलका हुकाम को भेज दी। आला अफसरान का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने की तजवीज। GIT ने सानेहा साहिवाल के मकतूल जिशान के भाई एहतशाम का बयान कलमबंद कर लिया। वाके से मुतालिक सोशल मीडिया की वीडियोस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, फुटेज बनाने वाले अफराद के बयानात भी कलमबंद किए जाएं, एहतशाम का मुतालिबा।
चार रोजा इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का आगाज, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, बोली सेहत आमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा किया गया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में चिल्ड्रन आर्ट बैट मुकाबले, बच्चों के बनाए फन पारे भी नुमाइश का हिस्सा बने। मुल्क भर से 120 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की, अदाकार शान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहरी वक्त बचाएं, लाहौर कलंदर्स के अलावा कोई मैच देखने ना आए। जिला इंतजामिया और पीएचए के मैचेस दिखाने से मुतल्लिक अनोखी मंतक, बड़ी स्क्रीनों पर सिर्फ लाहौर कलंदर्स के मैचेस दिखाए जाएंगे। और पंजाब लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में दो रोजा जश्न बहारा मेले का आगाज, पहले रोज पंजाब भर से खसूसी स्कूलों के बच्चों की शिरकत, पेंटिंग, फैंसी ड्रेस शो और रंगारंग मुकाबले मुनक्किद हुए।